हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए 7 बज गए हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात बहुत बहुत। और अब मैं जा रही हूँ सीओ को लंच बनाने, ब्रेकफास्ट दोनों करेगा। तो देखिए क्या बना रही हूँ। तो देखिए काट लिया है मैंने टमाटर, गोभी का फूल, शिमला मिर्च और हरे मिर्च कुछ रेड कर लेते हैं मेरा, और मटर भी है, मटर डालूँ और ये मूंगफली के दाने। और ये चावल पक गए तो मैं स्कूल के लिए उसको चावल में फ्राई कर रही हूँ। और देख कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। और सॉरी मैं अभी प्याज काट लेती। और देखिए दाने मूंगफली को फ्राई कर लेती। और आज गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी होगी लगता है, आज गर्मी आ गई। और देखिए पकता है, मैं इनको निकाल लेती। और देखिए मैंने सब कुछ डाल दिए इसमें फ्राई कर रही हूँ। शिमला मिर्च, प्याज, मटर, गोभी के फूल, अच्छे से पक गए हैं। चावल डाल देते, चावल डाल दिए। और अब मूंगफली के दाना भी डाल लेते हैं। चावल फ्राई हो गए मेरा लंच बॉक्स में भर गए। और हम अब जाके और काम करेंगे। और मेरा ब्रेकफास्ट बन गया और ये अभी नहाने भी गए। चल जा जल्दी नहा के, आज तो बढ़िया मौसम अच्छा है, ठंडी भी नहीं है। मैं तुम्हारा जब तक टिफिन पैक कर देती हूँ, और जल्दी आओ नहा के। ये देखिए सीवा के लिए यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट और लंच भी देती, चावल फ्राई। और आइए आप लोग भी खा लीजिए चावल फ्राई। अभी हमने नहाया भी नहीं, अभी तो जाके काम करेंगे। हम सोच रहे हैं पहले इसको बना दे, फिर क्योंकि टाइम हो रहा था तो फिर नहाएंगे अभी काम करके। थाली में रखते इसको भरेंगे तो गिरेगा, तो थाली में ही गिरे। और देखिए हम जा रहे हैं भटुए की रोटियां बनाएंगे एकदम कचौड़ी की तरह। भटुए को भून लेते हैं।
देखिए मैं ये डालूंगी शिमला मिर्च, धनिया, अदरक और रेड मिर्च और ये लहसुन, इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ काट के। और देखिए मैं इसको काट लेती हूँ अथवा को, और हमने कढ़ाई देखी गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए। और ये भथुआ 500 ग्राम है काट लिया हमने। और देखिए अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च, धनिया। और देखिए मैं कुछ नहीं डालूंगी प्याज वगैरह, मैं हींग से छौंक दूंगी इसको। नमक डाल देते हैं, दो चम्मच हम देते हैं, ढाई चम्मच नमक डाला। और देखिए ये पीस लिया हमने, और देखिए 250-300 ग्राम आटा है और ये भथु पक गया, मैं इसमें डालती हूँ। थोड़ा निकाल लेती हूँ, लगता है ज्यादा लग रहा है। और ये डाल देती हूँ जो ये सा बस आटा में मिक्स कर देते हैं।
देते हैं फिर बनाते हैं दो चार मिनट के। और देखिए बनाने जा रहे हैं हम रोटियां। गर्म हो गया और दाल भी ऐसे बना लेंगे सब रोटी। कैसे पहले अच्छे से तवे में पका लेंगे फिर ऐसे सेक लेंगे फिर अच्छे से पका लेंगे। देखिए पक गई है अब सेक लेंगे।